बि बसमैक कैसे हैं आप सब सर कमारे चैनल में आप सबको को खुशा तो जी वर्ज़ आज मैं आपके सामने ये बहुत ही कम वक्त में बहुत ही मज़ेदार सी और सौसी सी ये मैक्रोनी बनाना आपको सिखाऊंगी ये बहुत ही तकरीबन दस पंद्रह मिनट में बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगी तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं एक ये कढ़ाही लूँगी इसके अंदर थोड़ी सी प्याज जाएगी इसी के साथ ही इसमें जाएगा ये लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन एक चम्मच लहसन लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से प्यालियों को मैंने साफ़ किया है अब इसमें जाएगा टू फिफ्टी ग्राम चिकन और इसके साथ ही एक अदर टमाटर लूँगी मैंने जिसको मैंने दरम्याने साइज़ में ये कट किया है वो डाल दूँगी अब थोड़ी सी जाएगी इसमें बंद गोभी जिसको मैंने बारीक कट किया हुआ है ये तकरीबन एक प्याली के करीब है इसके साथ ही इसमें जाएंगे थोड़े से जो आलू है इसको मैंने क्यूब्स में कट किया है आप जाएँ तो किसी भी शेप में इसको कट कर सकते हैं थोड़ी सी जाएगी इसमें शिमला मर्च इसी के साथ इसमें जाएंगे थोड़ी सी गाजर गाजर को भी बारीक कट किया ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए अब इसमें मेकरोनी है ये भी मेरे पास तकरीबन टू फिफ्टी ग्राम मेकरोनी है ये मैंने ऐड कर दी है ये तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद आप इसमें स्पाइसेस जाएंगे तकरीबन वन एंड हाफ टी स्पून इसमें जाएगा नमक और वन टीस्पून स्पून जाएगी इसमें ब्लैक पेपर कुटी हुई आप चाहें तो रेड पेपर भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें जाएगी तकरीबन ये एक चम्मच के करीब है सोया सॉस और एक चम्मच इसमें जाएगा वाइट सिरका और तकरीबन दो से ढाई चम्मच के करीब जाएगी इसमें चिली सॉस इन तमाम चीज़ों को स्पाइसेस को डालने के बाद इनको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से इसमें और इसमें डालेंगे हम तक़रीबन मैंने ये वन एंड हाफ़ मग जो है मेरे पास था एक मग इसको पानी का लिया है पानी इसमें ऐड कर देंगे अब एक चम्मच लेंगे उसकी मदद से सारी वेजिटेबल्स को आपस में मिक्स कर दें ताकि ये जो स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं वो भी अच्छे से इसमें मिक्सअप हो जाएं। अब आपने फ़्लेम को तकरीबन आपने मीडियम टू स्लो से आपने मीडियम तक रखना है हाई फ्लेम नहीं करनी और इसको लिड लगा के हम ऐसे ही पाँच मिनट पहले हम कुक होने देंगे इसको अच्छे से देखें इसको कुक होते तकरीबन पाँच मिनट हो चुके हैं अब इसमें तकरीबन टू तो फिफ्टी ग्राम्स है ऑयल कुकिंग ऑयल मैंने इसमें ऐड किया है अब इसको दोबारा से मैं लिड लगा के रख दूँगी तकरीबन इसको दस मिनट हम अच्छे से कुक करेंगे तो देखें ये वेजिटेबल्स सारे इसमें ड्राई हो जाएंगे और ये जो सॉफ्ट भी हो जाएंगे इसके साथ जो पानी है सारा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे जो मेकरोनी है वो भी अच्छे से इसमें गल चुकी है ये थोड़ी सी सॉसी होगी अगर आप चाहें कि ये ड्राई ड्राई रहे तो आप इसमें से सिर्फ एक मग पानी का ऐड करेंगे अगर आप इस तरह के चाहते हैं तो फिर आपने डेढ़ डेढ़ मग इसमें पानी का ऐड करना है अब इसी के साथ इसमें टू फिफ्टी ग्राम मैंने ये कैचअप डाली है टमाटो कैचअप सिंपल वाली जो है चिलीज आपने नहीं डालनी अगर आप स्पाइसीज खाना पसंद करते हैं ज़्यादा तो फिर आप स्पाइसी बनाने के लिए इसको चिली सॉस डाल सकते हैं ज़्यादा इसमें अब इसका पानी जो है अच्छे से ड्राई आउट करेंगे जब तक मैं इसको ड्राई आउट कर रही हूँ आप जल्दी से जाइए और जा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा तो देखिए अब अच्छे से रेडी हो चुकी है इसको हमने अब कर लिया है डिश आउट तो देखिए ये मिनटों में तकरीबन हार्डली इसको फिफ्टीन मिनट लगे हैं इसको अच्छे से कुक होते तो देखें कितनी मज़ेदार सी ये बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है आप इसको अपने घर में ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़